अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राचीन हिस्ट्री के क्वेश्चनों की, कुछ बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं एक सूचना और दे देना चाहता हूँ, क्योंकि हम इसी यूट्यूब चैनल पर आपको अब प्रीवियस जो REPF के क्वेश्चन हैं उन सभी के क्वेश्चनों के बारे में क्या करने वाले हैं दोस्तों, बात करेंगे, ठीक है। और साथ में राजस्थान में CET से संबंधित जितने भी क्या है दोस्तों सॉल्वड पेपर हैं उनको भी मैं आपको करवाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। तो आज हम इस चैनल को, इस क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो इस किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि मामलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है। मामलुक का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों, मामलुक का शाब्दिक अर्थ, एक दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ने, गुलाम माता पिता का बच्चा, गुलाम माता पिता के गुलाम बच्चे, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, तो ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास न हो वो क्या कहलाता है, मामलुक वंश का मामलुक कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, मामलुक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों। तो ये आपको क्या रखना है, याद रखना है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपको याद रखना है प्रांत का टंका, या अनुरुद्धापुर, या फिर राजा राज, या राजा राज। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, तो राजा राज है दोस्तों, ये दोनों ही है क्योंकि मिस प्रिंटिंग हो गए थे, ठीक है, राजा राज है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर लेते हैं अब आपकी स्क्रीन पर बात है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धि का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था, बटलर आयोग, हंटर आयोग, हेनरी आयोग, या सडलर आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, तो याद रखना हंटर आयोग आया था, कौन सा आयोग था दोस्तों, हंटर आयोग था। तो ये भी आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए भाई हंटर आयोग क्यों लिया गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए, और कब लाया गया था, तो 1854 के अंदर लाया गया था दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं आपकी स्क्रीन पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या किस आंदोलन के दौरान वंदे भारत गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी, किस आंदोलन के दौरान, तो किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी दोस्तों। तो याद रखना भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, या अश्विनी आंदोलन। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन है, कौन सा है, स्वदेशी आंदोलन, इसका क्या है दोस्तों सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वेदर नियमन तक मार्च का नेतृत्व किसने किया, मार्च का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, त्रिचिनोपोली अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना दोस्तों, इसमें त्रिचोपोली त्रिचिनोपोली से वेदर नियमन नियम तक मार्च यानी पैदल यात्रा किसने की थी, तो चिंपा गांधी जी, गोपालचारी कृष्ण, या फिर सरोजिनी नायडू। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों, राजगोपालचारी है, कौन से दोस्तों, राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि हड़प्पा सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन संबंधित है आपकी स्क्रीन पर कि मौर्य समाज के संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, या अजात शत्रु। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों,
चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर कर लेते हैं बात दोस्तों, तो निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथवा वेद। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। क्या है? ऋग्वेद। क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और सबसे नया ग्रंथ कौन सा है? तो याद रखना ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद सबसे क्या है दोस्तों? नवीन है। क्या है? सबसे नवीन है। अब आपकी स्क्रीन पर जोरदार क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है दोस्तों? विचार। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है निकट आना और निकट बैठना। ग्रंथ में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत का समावेश है। उपनिषद के बारे में कथन ओ में से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा सही है दोस्तों? केवल, सॉरी, एक और दो, दोनों, केवल एक, केवल दो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों ही क्या है दोस्तों? सही है। क्या है दोस्तों? दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों ही क्या रहेंगे? सही रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के रचयिता रचना की थी किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, चाणक्य, अशोक, पाणिनि, विश्वामित्र। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? चाणक्य है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसके राजदरबार में मेगस्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके रूप में दी थी दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, राजदूत के। और किस, कौन था दोस्तों? मेघस्थनीज किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। तो आज के लिए बस इतने ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।